हेलो गाइस, सो आज है हमारा डे 3 और आज रात हम हाय ये है मेरी सिस्टर कजन बुआ की बेटी। सो बेसिकली आज है पूजा का दिन है आज, तो हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे भाई लोग कर रहे हैं सारे लोग। सो दिखाते हैं आपको आज जाकर उत्तराखंड का कल्चर है बेसिकली, जहाँ पे हम अपनी देवी देवता की पूजा करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूरा रात रहेगा, बेसिकली एक जागरण की तरह रहेगा। सो बने रहिए और आपके साथ शेयर करेंगे आज का शानदार ब्लॉग, तब तक ले स्टे ट्यून्ड। फुल तैयारी हो चुकी है हमारी रात के लिए। शाम को पहले हम भैरव बाबा के पास जाएंगे, भैरव बाबा के यात्रा लेके जाएंगे, भैरव बाबा की यात्रा लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे। और ये यहाँ फुल तैयारी हो चुकी है और फिर आपके साथ शेयर करेंगे आगे का। सो गाइस, ये है पूरा केले का बागान और ये है अरबी का पत्ता जिसमें पानी नहीं अटकता, तो इसमें खेलने में बहुत मज़ा आता था। एक दूसरे के शर्त लगाते हैं इसमें। सो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अमेजिंग एक्सपीरियंस था उत्तराखंड का, मज़ा आ गया ये आने में। और ये है पूरा, जैसे कि आप देख रहे हो, पूरा केले का बंच। और ये है मेरा प्यारा सा घर, अमेजिंग। हेलो गाइस, ये हमारी बुआ श्री है, चाची श्री है। हेलो गाइस, हाँ देखो रोटी बना रही है, गांव का परंपरा चूल्हे की रोटी है, चूल्हे की रोटी 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 मार्केट, बिकॉज थोड़ा सा पूजा है आज तो कैश खत्म हो गया था, तो सोचा हम लोग थोड़ा सा जाएं, बिकॉज यहाँ पे यार यही दिक्कत है, एटीएम का बहुत दिक्कत है, यहाँ पे कैश नहीं मिलता, तो बहुत दूर जाना पड़ता, ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है ट्रैवल करके, और वहाँ से और वो भी टाइम पे नहीं मिलते पैसे। यहाँ का उत्तराखंड का सबसे, मतलब हमारे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कैश नहीं मिलता। हाँ आके बताऊँगी। तो और बाकी तो सब सही है, सुविधा सब अच्छी है, बट खाने पीने का और मार्केट हमें बहुत दूर जाना पड़ता है ट्रैवल करके। जैसे कि आप देख रही है हमारे पहाड़ी कुछ फ्रूट होते हैं, हिसोले कल भी मैंने दिखाए थे, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। और ये होता है और यहाँ पे यही देखो रास्ता टूटा हुआ है, बना ही नहीं रहे लोग, यहाँ पे काम नहीं आता। उत्तराखंड में गवर्नमेंट थोड़ी सी ऐसी है, क्या बोले, लोगों की सुविधा के लिए इतना नहीं देखते। देखो ये पुल कब से टूटा हुआ है, बनाने का बजट ही नहीं दे रहे, तो थोड़ा बहुत है, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है, सुकून है। बस 2-3 चीज़ों का, एक कैश का और एक लाइक मार्केट्स वगैरह, इन दोनों की दिक्कत है। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, रोज़गार, ये 3 चीज़ें यहाँ पे हैं जो नहीं, बहुत मुश्किल है, बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, जन्नत है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा ग्रीन है, सब अच्छा है। और ये देखिए ये फूल, ये वाले जो फूल होते हैं ना, देखिए इसको हम लोग खाते भी थे, अभी दिखाऊँगी मैं, पके होंगे कहीं पर ये वाले, ये काले काले से दिख रहे हैं,
तो इनको हम खाते भी हैं, बहुत मीठे होते हैं, बहुत यमी होते हैं। ये वाले तो अभी तो देखो यहाँ पे यही है यार, पूरा जंगलों में आग लगा लेते हैं ये लोग, पता नहीं क्या है। ये हमारा घर है गाइस, ये देखिए ये अकड़ा, ये है ये फ्रूट्स पके हुए, सो इनको निकाल के खाते हैं। ये वाले बहुत मीठे होते हैं, देख रहे हैं हम, बहुत मीठे होते हैं। यहाँ पे आग लगा देते हैं, गर्मी में इतनी भपका हो रहा है दिन के टाइम में, सुबह शाम तो बहुत अच्छा है बट इवनिंग के टाइम पे बहुत भपका हो रहा है। ये देखिए ना आग पूरा जला रखा है, पूरे जंगलों में आग लग रखी है यार। और सामने हमारे भैरव बाबा मंदिर, भैरव मंदिर इनके दर्शन करने हम कल जाएंगे, हम आपको दर्शन कराएंगे इनका कल शाम। बस बीच में झाड़ियों के बीच में फंस गई है किशोरे खाते खाते, देखना ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं कंडिया, वहाँ है पैसा बंडिया और हम जा रहे हैं कंडिया रोड से इधर पूरे वहाँ पे डाय है बहुत बड़ा वाला, वहाँ पर डेर भी लगती है। ये देखो कंडिया की तरफ का व्यू, एंड फाइनली हम लोग रिखनीखाल पहुंच चुके थे और हमने नूडल्स ऑर्डर करे थे और सामने हमें दिख गए वहाँ के स्टूडेंट्स स्कूल के, तो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे एंड उसके बाद कुछ ऐसा कुछ। सो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये है आपके लिए पहाड़ों की वादियों से खूबसूरत व्यू। सो इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Do it in a car